हेलो एवरीवन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम यू ऑल इन टुडे सेशन कैसे आप सब आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेल सो फ्रेंड्स एम ऑडिबल टू ऑल मेरी वॉइस वॉयस सबको यहाँ से क्लियर है स्लाइड अप सबको विजिबल है इज एवरीथिंग क्लियर एवरीथिंग फाइन्स यू कैन राइट येस इन लाइफ चैट सेक्शन सो दैट वी कैन प्रोसीड विद इन टूडे सेशन गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग शेख गुड मॉर्निंग भैरा गुड मॉर्निंग आशी गुड मॉर्निंग पूनम गुड मॉर्निंग राजेंद्र गुड मॉर्निंग सुभाष सभी को स्टार्ट करते हैं सेशन को फिराज सब कुछ क्लियर है वॉइस क्लियर है स्लाइड आप सबको विजिबल है तो यू कैन प्रोवाइड मी अ कंफर्मेशन बाय राइटिंग गेस इन लाइव चैट सेक्शन गुड मॉर्निंग उर्फी गुड मॉर्निंग ओके तो स्टार्ट करते हैं सेशन को फ्रेंड्स uh, आज का जो सेशन है इसके अंदर हमें यूनिट थर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है काफ़ी सारी चीज़ें हमारी ऐसी होगी जो इसके अंदर एक नया परस्पेक्टिव आपको देगी क्वेश्चंस के फॉर्म में uh, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पर होगे कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भी यहाँ पर इंक्लूडेड होंगे लेकिन सारी की सारी चीजें मोस्ट ऑफ आपको ऐसे मिलेगी कि जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पर मिल सकती है तो उन सभी के सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे डील करना है टोटल हमारे पास टारगेट है हंड्रेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का या हंड्रेड प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तो उसको देखते हुए उस टारगेट को देखते हुए स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को स्टक हो गया एक मिनट एक बार मैं रिफ्रेश कर लेती हूं अगर स्टक हुआ तो ओके नाउ क्लियर अब ठीक है

और यहाँ पे फॉलो करता है किसी रिस्पॉन्स को और रिस्पॉन्स के बेसिस पे हम यहां पर क्या करते हैं किसी तरीके का रीनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं यहां पे सिर्फ री जो प्रोवाइड किया जाता है तो स्टमलेस एंड रिस्पॉन्स का एसोसिएशन होने के साथ साथ उस बिहेवियर की टेंडेंसी को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है सो इन दैट केस यहाँ पर जो राइट right आंसर होगा वो हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा नेक्स्ट आ जाओ थॉन्डाइक लॉ ऑफ इफेक्ट विच ऑपरेट्स थ्रू जो थोनडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट है वो किसके थ्रू ऑपरेट होता है अब ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ट्रिक है आपको इस क्वेश्चन में समझने की अब हमने थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट समझा था थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉ समझे थे थॉर्नडाइक के सेकेंडरी लॉ समझे थे अब इसमें प्राइमरी लॉज में लॉ ऑफ इफेक्ट था अब इसका मतलब क्या है स्ट्रेंथिंग द एसआर कनेक्शंस या फिर वीकनिंग द एसआर कनेक्शंस या फिर रीइंफोर्सिंग एवरी स्टिमुलस या स्ट्रेंथिंग दी एसआर कनेक्शन थ्रू सेटिस्फाइंग द स्टेट ऑफ अफेयर्स क्वेश्चन नंबर सेकंड हाँ जी अभी स्टार्ट हुई है क्लास है वेरी गुड सो हेयर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी एक्सीलेंट एवरी वन फोर्थ इज द राइट आंसर क्योंकि लॉ ऑफ़ इफेक्ट आपको बताया तो वो कैसे ऑपरेट होता है तो यहाँ पे

एक्सीलेंट एवरी वन नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पिक आउट द टर्म विच हैज नॉट बीन यूज बाय प्याजे अब प्याजे की हमने थियोरी पड़ी प्याजे के प्रिंसिपल्स पढ़े अब उस केस के अंदर कौन सा इसमें नहीं आता वो आपको आउट करना है नॉट बीन यूज बाय प्याजे एसिमिलेशन ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा या याबलिमेशन क्वेश्चन नंबर थर्ड स्पीड इंक्रीज फ्रेंड्स हंड्रेड प्लस क्वेश्चन हमारे सामने हैं तो उसी को उसी हिसाब से वेरी गुड सो हेयर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सब्लिमेशन सब्लिमेशन नहीं होगा बिकॉज एसिमिलेशन यहां पर आता है कि वेन हम किसी न्यू नॉलेज को यहां पर इंक्लूड करते हैं अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज में साथ, के साथ स्कीमा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज और यहाँ पे मीनिंगफुल तरीके से ऑर्गेनाइज करना जिसके अंदर हम कंसेप्शलाइजेशन की बात करते हैं लेकिन सब्लिमेशन इसका पार्ट नहीं है बिकॉज इज अ डिफेंस मैकेनिज्म जो Freud ने आपको दिया है नेक्स्ट आ जाओ द नेम ऑफ द साइकोलॉजिस्ट दैट एसोसिएटेड विद्यू स्कैम एक आईक्यू स्कैम हुआ था तो उसके पीछे किसका कारण था कौन यहाँ पर इन्वॉल्व था उसमें एल्फ्रेड बाइनेडर साइमन साइरल बर्ट या हॉवर्ड गार्डनर क्वेश्चन नंबर फोर्थ अब यहां पे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको देखने को मिलेगा साइकोलॉजी के अंदर देखते हैं आपको पता है इसका आंसर है नहीं पता वेरी गुड जिन्होंने सी इसका राइट आंसर दिया वेरी गुड जुनेद वेरी गुड सस्मिता क्या हुआ इसका, right अब है इसका मतलब ये नहीं कि की हमेशा यहाँ पर, हम के, यहां पर हम के अलावा की बात तो सिरेल बर्ड का एक आई क्यू स्कैम आपके सामने आया इसकी थोड़ी सी स्टोरी समझते कि था क्या ये आई क्यू स्कैम एग्जैक्टली कहना क्या कह चाहता था सी यहाँ पे सर सरेल लॉर्ड ऑफ एक बर्ड थे जो कि इंग्लिश एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे और जेनेसिस भी थे जिन्होंने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था स्टैटिस्टिक्स के अंदर और वो जाने जाते थे स्टडीज ऑन द हेरिटेबिलिटी ऑफ आईक्यू हेरिटेबिलिटी ऑफ आईक्यू के लिए जाने जाते थे शॉर्टली आफ्टर ही डाइट ही स्टडीज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ इंटेलिजेंस वर डिस्क्रेडिटेड जब उन्होंने यहां पर स्टडी करी जिसके अंदर वो इंटेलिजेंस को हेरिडिटी से कर, से रिलेट करके देख रही थी कि अगर मान लो किसी के पेरेंट्स अगर हाई इंटेलेक्ट है उनका तो उनके बच्चे भी हाई इंटेलेक्ट वाले होंगे तो इस तरीके की स्टडी यहाँ पर देखा कि क्या आईक्यू का किसी तरीके के से रिलेशन है हेरिडिटी पे तो उस रिलेशन के ऊपर उन्होंने स्टडी करी लेकिन जैसे ही वो मरे यहाँ पर उनकी स्टडी को एकदम फिर से खोला गया खंगाला गया और पाना ये पाया कि उनकी जो स्टडी थी वो इनरेलीवेंट थी और उनका जो पूरा जो रिसर्च का डेटा था वो ये इंडिकेट करता था कि एक तरह का कोरिलेशन बनाने की बात करी थी सेपरेटेड ट्विंस में लेकिन वो सेपरेटेड ट्विंस यहां पर एग्जिस्ट नहीं करते थे ऐसी कोई स्टडी थी ही नहीं कि जो यहाँ पर एक कोरिलेशन बता पाए कि आइडेंटिकल ट्विंस है उनका जो आईक्यू लेवल भी आपका सेम होगा अगर उनके पेरेंट्स यहाँ पर हाई इंटेक्ट वाले है तो, तो ये आई स्कैम हमारा कहलाया तो अगर अली इनकी रिसर्च में देखा जाए इनकी रिसर्च के अंदर क्या क्या था तो अली इनकी जो रिसर्च करियर था तो बर्ड ने पब्लिश करी जो ये इंडिकेट करती थी के बेसिस पे यहां पर इन्होंने एक कई तरीके के सीरीज ऑफ पेपर भी पब्लिश करे नाइनटीन में जिसके अंदर इन्होंने आई देखा आई क्यू वॉर आइडेंटिकल ट्विंस ठीक है विद एन आइडेंटिकलिटी मेकअप विद्जेक्ट टू डिफरेंट एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस बट को रिलेटेड रियर टूगेदर एंड रियड इंफ्लुएंट ऑन लेटर ग्रुप करेक्टर तो इनकी स्टडी निकल कर आई सॉरी साथ के साथ पेपर जब पब्लिश हुआ तो उसमें ना इन्होंने सबसे ज्यादा को रिलेशन बताया

ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्टैटिस्टिकल साइकोलॉजी ने एंटाइटल करा तो उसके बेसिस पे पे पर देखा गया कि कोई ऐसी स्टडी नहीं थी कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स के बारे में बता पाए तो ये आपकी स्टडी निकली नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर इसके अंदर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट बी आई आइडेंटिफाइड थ्रू द सोशियोमेट्री का आइडेंटिफाई नहीं करता गिफ्टेड आइसोलेटेड रिजेक्टेड या मोस्ट लाइक्ड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वेरी गुड सो हेयर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिफ्टेड गिफ्टेड नहीं होता क्योंकि सोशियोमेट्री का जो हम एक्सपेक्ट करते हैं तो उसके अंदर हम ग्रुप का क्लिक्स देखते हैं कि ग्रुप का फॉर्मेशन कैसा है क्लिक्स का फॉर्मेशन कहता है कैसा है तो उस केस के अंदर यहां पर आपका गिफ्टेड नहीं आएगा नेक्स्ट आ जाओ इनमें से कौन सी ऐसी थ्योरीज है जो कि पसाय थ्योरी से रिलेटेड नहीं है इंट्रा साइकिक थ्योरी टाइप थ्योरी ट्रेड थ्योरी या सिस्टम थ्योरी क्वेश्चन नंबर सिक्स वेरी गुड सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिस्टम थ्योरी सिस्टम थ्योरी नहीं आता यहां पर हमें टाइप थ्योरी पता है कौन कौन सी टाइप थ्योरी थी जो हमने यूनिट थर्ड के अंदर डिस्कस करी थी टाइप थ्योरी के अंदर आपकी यहाँ पर कैशमर की थ्योरी आ गई थी टाइपोलॉजी हमने इसके अंदर हिपोक्रेट्स की टाइपोलॉजी समझी हमने इसके अंदर शेल्डन की टाइपोलॉजी समझी थी ट्रेड थ्योरी की बात करते हैं ऑलपोर्ट की जो ट्रेड थ्योरी थी वो हमने किया था आ, लेकिन इंट्रा साइकिल थियरी क्या थी अब यहाँ पे इंट्रा साइकिल थियोरी एक ह्यूमैनिज्म थ्योरी थी जो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जेंडर साइकोलॉजी और फिलोसफी ऑफ माइंड को दर्शाती थी और एक न्यू अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती थी कि व्हाट इज टू बी ह्यूमन कि ह्यूमन क्या होगा यहाँ पर ह्यूमन क्या हो सकता है तो उसको वो ड्राइव करना तो ये जो आपकी इंट्रा साइकिक थ्योरी थी कि जो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी बताती थी कि चाइल्ड का डेवलपमेंट कैसा होता है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कैसा होता है और साइकोपैथोलॉजी कैसा होता है तो ये इससे रिलेटेड थी तो ये कहीं ना कहीं परसनिटी की बात करती है लेकिन सिस्टम थियरी पर्सनलिटी का टाइप नहीं आता नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेवन ऑपरेंट कंडीशनिंग मेनली एंफरसाइजेज ऑन द रोल ऑफ जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो किसके रोल को एम्फेसाइज़ करती है क्वेश्चन नंबर सेवन टीचर लर्निंग मटीरियल इन्फोर्समेंट या एनवायरनमेंट

अब ये लर्निंग की बात कर रहा है कि जो गुड लर्निंग है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है साइकोलॉजी uh, से बिलोंग करते हैं फील्ड uh, uh, से बिलोंग करते हैं वो चाहते हैं कि आगे जाके पीएचडी का टॉपिक एक ऐसा लिया जाए साइकोलॉजिकली ऑरटेड हो तो उस केस के अंदर आई कि लर्निंग पे काफी काम हो रहा है इफ यू वॉन्टेड या लर्निंग के प्रोग्रेशन एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे अगर आप देखना चाहते हो कि uh, यहाँ पर कि कौन कौन सी uh, स्टडीज है तो आप उसको देखते हुए अपनी रिसर्च प्रपोजल मेंटेन कर सकते हैं तो लर्निंग के डोमेन्स के ऊपर आप यहाँ पे रिसर्चेस कर सकते हैं एक काफी अच्छा टॉपिक आपका चल रहा है क्योंकि एनईपी के अंदर भी इसको सबसे ज्यादा मेन रोल दिया है लर्निंग के प्रोसेस को वेरी गुड सो यहाँ पे जो राइट right आंसर हुआ एक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द पीपल क्योंकि लर्निंग हमारी डिपेंड करती है किसके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर आप ये रसल का मॉडल दे सकते हैं आप रसल के मॉडल में आपको पता चल जाएगा कि अगर हमें बच्चे की लर्निंग को हैपन करना है तो उस केस के अंदर हमारा अफेक्टिव डोमेन कैसे रोल प्ले करता है तो अफेक्टिव डोमेन के अंदर आपका एक इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए लर्निंग के साथ आपका इंटरेस्ट होना चाहिए आपका खुद का मोटिवेशन होना चाहिए सेल्फ रेगुलेट करना आना चाहिए तो वह एक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इज रिलेटेड विद अ गुड लर्निंग और उसके ऊपर हमारी लर्निंग डिपेंड करती है नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर नाइन सेट अ पीरियड ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेस किसने कहा है कि अडोलिस एक पीरियड है जो कि स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेस की कंडीशन को दिखाता है एलिजाबेथ हर्लॉक ने पियाजे ने फ्रॉयड ने या जॉर्ज स्टेली हॉल ने क्वेश्चन नंबर नाइन पीटर सेलोवे आशी और डैनियल गोलमैन इमोशनल इंटेलिजेंस वेरी गुड एवरी वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड जॉर्ज जॉर्ज स्टेली हॉल हॉल ने आपको एक कंसेप्ट दिया है तो यहाँ पे आ जाते हैं पी, ये पीरियड किसको कहा गया एक इन है एक स्ट्रेस की कंडीशन है क्योंकि जेस हॉल ने नाइनटीन में एक रिसर्च करी अडोलिस के ऊपर और बताया कि किस ना हाइटेड है स्ट्रॉम इन स्ट्रेस में क्योंकि इस समय बच्चे के अंदर काफी सारे कंफ्लिक जागते हैं ये अगर हम स्टेज देखें डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर बच्चा अपना सेल्फ मतलब उसकी क्या सेल्फ एग्जिस्टेंस है हुए माए के कंसेप्ट को डेवलप करता है तो हुए माए के कंसेप्ट को डेवलप करना एक जेंडर ओरिएंटेशन जानना अपने समझना कि उसकी क्या एग्जिस्टेंस है उसका क्या इंपॉर्टेंस है

बी एड का कंप्लीट होना पीएचडी में क्योंकि आप यहाँ पे अलाइड सब्जेक्ट से भी कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है आशी है इमोशनल इंटेलिजेंस uh, है variable, अच्छा है है वेरिएबल अच्छा बट उसके अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या स्टडी फिजिबल है इमोशनली किस तरीके से आप यहाँ पर uh, मतलब डेटा को कलेक्ट कर सकते हो तो वो आपके पास रेलिवेंट आंसर होना चाहिए उस केस में जब डिफेंड करना हो इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए कोई स्टैंडर्डाइज टूल तो यहाँ पर अगर इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करना चाहते हो तो स्टैंडर्डाइज्ड टूल चेक करना ढूंढना स्टार्ट कर दो अभी से और वो रेलेवेंट आंसर उनको दो तभी अगर आप डिफेंड होते हुए अपने रिसर्च प्रपोजल को डिफेंड सही तरीके से कर सकते हो तो ही वो कंसिडर करेगी इमोशनल इंटेलिजेंस को बिकॉज इमोशनल इंटेलिजेंस ए ब्रॉडर एक्सपेक्ट उसको जानना मेजर करना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क वेरी गुड सो so, यहाँ पे राइट आंसर क्या आ गया बिहेवरिस्टिक आ गया क्यों क्योंकि रिवॉर्ड प्ले सिग्निफिकेंट रोल तो हम रिवॉर्ड दे रहे हैं तो उसका सिग्निफिकेंट रोल किसके अंदर प्ले करता है बिहेवरिस्टिक नोशन में वेरी गुड नेक्स्ट आ जाओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ गाइडेंस इनमें से कौन सा गाइडेंस का फंक्शन नहीं है टू डू अ बेटर जॉब टू डिस्कवर हिज ओन एबिलिटीज टू बूस्ट ओवर हिज पोजिशन या टू डिस्कवर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्वेश्चन नंबर इलेवंथ हाँ, स्कूल टीचिंग के लिए तो वो मैंडेट ही होगा बी एड एंड चाहिए ही चाहिए वेरी गुड सो हे द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन टू बोस्ट ओवर हिज यानी कि अपनी पद की शे की भगड़ना तो ये गाइडेंस का फंक्शन नहीं होता नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एक मैथमेटिक्स टीचर डिस्कस करती है कुछ प्रॉब्लम्स क्लासरूम के अंदर फिर वो बच्चों को पूछती है कि स्टूडेंट्स को कि वो वर्कआउट कर पाए सब प्रॉब्लम्स के ऊपर जो बुक के अंदर गिवन है तो ये किस तरीके का प्रैक्टिस हुआ आपका किस तरीके का लॉ हुआ री एनफोर्समेंट रेडीनेस या एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व और सभी एक बार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना अपकमिंग सेशंस के लिए और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है सो यू कैन ज्वाइन सेशन यहां पर और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो ये लिंक आपको दिया हुआ है गिवन है लाइव चैट सेक्शन में पिन किया हुआ है एंड डू लाइक द सेशन शेयर विद योर फ्रेंड्स टू वेरी गुड यहाँ पे राइट आंसर क्या हुआ है एक्सरसाइज क्यों क्योंकि ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज को दिखाता है तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज के अंदर जैसे एक इंडिविजुअल अपने प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर रहा है यहाँ पर उसमें वर्क कर रहा है प्रैक्टिस कर रहा है तो वो लॉ ऑफ एक्सरसाइज से रिलेटेड हो गया रेडीनेस होता है कि अपने आप को किसी लर्निंग के लिए रेडी करना टू प्रिपेयर योर फॉर लर्निंग तो उसके लिए आप पहले जो प्रिपरेशन करते हैं तो वो हमारा रेडीनेस का पार्ट बनता है री तो हमारा होता है कि यहाँ पर किसी भी टेंडेंसी ऑफ बिहेवियर को मेंटेन करने के लिए आगे इंक्रीज करने के लिए हम कोई रिवॉर्ड उसको दे रहे तो री दे रहे और कॉन्टिग्यूटी मीन्स की यहाँ पर एक तरह का एक तरीके निकटता यहाँ पर होनी चाहिए ठीक है नेक्स्ट आ जाओ एजुकेशन साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडी जो एजुकेशन साइकोलॉजी है किस तरीके की साइंस ऑफ स्टडी हुई ह्यूमन बिहेवियर ह्यूमन साइंस एबनॉमल चिल्ड्रन इन एजुकेशन या वेज टू मॉडिफाई स्टूडेंट्स बिहेवियर इन लर्निंग क्वेश्चन थर्टीन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट right आंसर शिक्षा मनोविज्ञानिक अध्ययन का विज्ञान है मानव व्यवहार मानव विज्ञान शिक्षा में असामान्य बच्चे या सीखने में छात्रों के व्यवहार को संशोधित करने के तरीके क्वेश्चन नंबर थर्टीन वेरी गुड सो हेयर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेज ऑफ मॉडिफाइंग द स्टूडेंट वेरी गुड पूनम वेरी गुड कलिता वेरी गुड जिन्होंने डीज का राइट आंसर दिया है क्यों डी होगा क्योंकि एजुकेशन साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडिंग द वे टू मॉडिफाई द स्टूडेंट बिहेवियर इन लर्निंग की किस तरीके से हम स्टूडेंट के बिहेवियर की लर्निंग करा सकते सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर नहीं बट कैसे स्टूडेंट के बिहेवियर हम यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं लर्निंग के प्रोसेस में एजुकेशन साइकोलॉजी नॉट ओनली फोकसिंग ऑन साइकोलॉजी अगर सिर्फ साइकोलॉजी की बात करता तो यू कैन गिव द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर बट अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर फोकसिंग ऑन एजुकेशन साइकोलॉजी तो एजुकेशन के अंदर साइकोलॉजी का क्या महत्व है नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स हेल्प्स टू डेवलप द क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी कैसे आएगी बच्चे के अंदर ग्रुप वर्क करके ब्रेन स्ट्रॉमिंग करके कोलैबोरेटिव लर्निंग करके क्वेश्चन इन आंसर सेशन के तौर पर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन स्पीड इंक्रीज बहुत सारे क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वेरी गुड किस तरीके से करके ब्रेन स्ट्रॉमिंग करके एक ऐसी टेक्निक जो हेल्प करेगी बच्चे की क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए ब्रेन स्ट्रॉमिंग एक्सेलेंट एवरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन स्टूडेंट इज वर्किंग हार्ड एंड क्वेश्चन है उसको वादा किया कि वो उनको मोटरसाइकिल दिलाएंगे अगर उसके अच्छे मार्क्स आए तो ये किस तरीके का मोटिवेशन हुआ इंटरसिक मोटिवेशन एक्सटेंसिक मोटिवेशन मैथमेटिकल मोटिवेशन या इंट्रेंसिक एंड एक्सटेंसिक मोटिवेशन क्वेश्चन नंबर Very good. किस तरीके का हुआ एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन बाहरी तौर पर मन में नहीं क्वेश्चन इफ ए चाइल्डिकल ऑपरेशन फ्रॉम्पल एंड कैन सब मल्टीप्लाई एंड डिवाइडमेंट ही अगर एक बच्चा लॉजिकल ऑपरेशन कर रहा है सिंपल एसोसिएशन कर पा रहा है सब्ट्रैक्शन कर पा रहा है मल्टीप्लाई कर पा रहा है डिवाइड कर पा रहा है तो इस तरीके का डेवलपमेंट किस से रिलेटेड हुआ सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशन ऑपरेशन या फॉर्मल ऑपरेशन चार तरीके की चीजें हमने करी वेरी गुड एवरीवन राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कंक्रीट ऑपरेशन क्यों हुआ क्योंकि ये बार बार फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मतलब ये किसी ना किसी फॉर्म में आपसे पूछ सकता है इसको स्टार मार्क कर लो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये देखो सभी तरीके के क्वेश्चन आ जाता है कि आपको स्टेटमेंट दे देगा और आपको जानना है कि भाई यहाँ पर कौन कौन से है और कौन कौन से स्टेजेस के अकॉर्डिंग आपका किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है तो यहां पर देखो सेंसरी मोटर स्टेज तो सेंसरी मोटर स्टेज तो से लेकर टू बच्चा खुद एक्सप्लोर करना सीखता अपनी direct, जो लेता है अपने सेंसरी एंड मोटर कॉन्टेक्ट का यूज करते हुए प्री ऑपरेशन से जो कहलाती है वो टू से लेकर सिक्स इयर्स तक चलाती है जिसके अंदर बच्चा छोटे छोटे सिंबल्स को सिंपल सिंबल्स को यूज करना सीखता है रिप्रेजेंट करना सीखता है ऑब्जेक्ट को लेकिन इस केस के अंदर बच्चा यहाँ पे लॉजिकली तरीके से रीजन नहीं कर पाता बच्चा सिर्फ क्या करता है एक एबिलिटी टू प्रिटेंड यहाँ पे डेवलप करता है और नेक्स्ट uh, आता है कंक्रीट ऑपरेशन अब इस कंक्रीट ऑपरेशन के अंदर बच्चा एसोसिएट करता है ठीक है एसोसिएट करता है एक साथ यहाँ पर कंसेप्ट को लगाता है सिंपल एसोसिएशन करता है सब करता है यहाँ पर एडिशन करता है और कन्वर्जन कैसा होना है कंजर्वेशन कैसे करना है उसको वो अंडरस्टैंड करता है और पांचवा मतलब जो फोर्थ हमारा आता है इसमें फोर्थ हमारा है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो आपकी ट्वेल्व चलती है जिसमें आ जाते हैं और रीजन कर पाते हैं को abstractly. तो यहाँ पे क्वेश्चन इन सभी स्टेजेस के अकॉर्डिंग बन सकता है तो ये इंपॉर्टेंट है इफ यू टू वॉन्टेड का स्क्रीनशॉट तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन हाँ ये क्वेश्चन आए आएगा ही आएगा और ये क्वेश्चन मतलब लैंग्वेज चेंज कर देगा कंसेप्ट आपका यही बरकरार रहेगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्योंकि ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्ट पोर्शन आपका यही बना है कि स्टेजेस के अंदर आपसे वो डेवलपमेंट पूछ पूछ रहा है, पूछ रहा है है डेवलपमेंटल एक्सपेक्ट और वहां से आपको वो बता क्वेश्चन अजर्शन या रीजन के फॉर्म में आ जाएगा आपको वहां पे आंसर बताना पड़ेगा अब ये भाटिया टेस्ट क्या है कैटल टेस्ट क्या है स्ट्रॉन्ग टेस्ट क्या है और मैस्लो की थ्योरी क्या है तो उसको आपको रिलेट करना है मैच करके बताना है वेरी गुड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ए अब यहां आ जाओ भाटिया टेस्ट के बारे में समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है एग्जाम में पूछ सकते हैं और जो बच्चे यहां पे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साइकोलॉजी के लिए जो एंट्रेंस में तो वहां पर भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है भाटिया बैटरी टेस्ट अब ये भाटिया बैटरी टेस्ट क्या है भाटिया बैटरी टेस्ट एक परफॉर्मेंस टेस्ट है ध्यान से सुना एक परफॉर्मेंस टेस्ट है इंटेलिजेंस का जो CM भाटिया के द्वारा डेवलप किया गया है 1955 में इसके इस तरीके के टेस्ट में क्या होता है यहाँ पे कई तरीके के कार्ड्स होते हैं डिफरेंट पैटर्न के और यहाँ पे चिल्ड्रन को रिक्वायर होता है कि वो इस पैटर्न को ड्रॉ कर पाए विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल बिना पेंसिल को उठाए वो लिफ्ट कर पाए बिना लिफ्ट करे हुए पेंसिल को वो किसी भी तरीके के पैटर्न को ड्रॉ कर पाए इस तरीके का टेस्ट है भाटिया का जो बैटरी टेस्ट है इसमें पांच तरीके के सबसेट्स आते हैं पैटर्न ड्रॉइंग टेस्ट यहाँ पर लिया जाता है बच्चे से कोर्स ब्लॉक डिजाइन टेस्ट लिया जाता है साथ के साथ यहाँ पे पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट होता है एलेक्सेंडर पास अलोंग टेस्ट होता है और इमीडिएट मेमोरी टेस्ट होता है डिजिट्स का तो पैटर्न ड्राइंग टेस्ट में क्या होता है कि यहाँ पर आठ तरीके के कार्ड्स बच्चे को दिए जाते हैं पर्टिकुलर फॉर्म में यहाँ पे सब्जेक्ट को ड्रॉ करना पड़ता है <coughs> फिगर ऑफ पैटर्न साथ के साथ कॉज का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट होता है

और इमीडिएट मेमोरी टेस्ट यहाँ पर होता है कि जिसके अंदर यहाँ पे बच्चे को कोई डिजिट पूछी जाती है तो उससे वो पूछते हैं बाद में कि आपने कितनी डिजिट समझी आप उसको कितना रिकॉल कर पा रहे हैं नेक्स्ट आ जाओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनमें से कौन सा ट्रू है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कौन सा वाला ट्रू है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बोथ आर नेचुरल प्रोसेस ग्रोथ इज नेचुरल व्हाइल डेवलपमेंट या इफ ग्रोथ इज सेटिस्फैक्टरी द डेवलपमेंट फॉलोस या बोथ द प्रोसेसिस गो टुगेदर विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरवेंशन वेरी गुड राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बोथ आर नेचुरल प्रोसेस जब भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे हमारा तो एक तरीके से हमारा नेचुरल प्रोसेस में चलेगा आ जो, आ है, 19. इसका right क्या है विच ऑफ द फॉलमिंग इज इन दी प्रोसेस डायमेंशन ऑफ गिल्फर स्ट्रक्चर ऑफ अब ये गिल्फर स्ट्रक्चर ऑफ इंटलेक्ट यानी कि एसओ आई मॉडल की बात कर रहा है अब इस एसओ आई मॉडल के अंदर हमारा मेन फोकस किसके ऊपर होता है ठीक है मेन फोकस किसके अंदर होता है यानी कि सिमेंटिक कॉग्नेशन यूनिट्स या इम्प्लीकेशन प्रोसेस की बात करें हमने कोप पढ़ा ना कोप कंटेंट ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट कंटेंट ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट तो कंटेंट ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट की uh, यहाँ पर जो बात करे है तो उस केस के अंदर यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आएगी सीमेंटिक कॉग्नेशन यूनिट्स या इम्प्लीकेशन वेरी गुड सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कॉग्नेशन तो कॉग्नेशन के अंदर ये हमारा चलेगा प्रोसेस कॉग्नेशन क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं तो वो हमारा ऑपरेशन की प्रोसेसिंग है तो ऑपरेशन की प्रोसेसिंग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ऑपरेशन की प्रोसेसिंग जो हमारे कॉगनेशन से रिलेटेड है ऑपरेशन हम करते हैं कॉग्नेशन करके मेमोरी का यूज करके डाइवर्जली कन्वर्जन प्रोडक्शन करके वैलुएशन करके तो वो हमारा कॉग्नेशन के अंदर आता है अगर आपसे प्रोडक्ट पूछता तो उसमें यूनिट क्लासेस रिलेशन सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्लीकेशन होता और कंटेंट आपके पास तरीके की विजुअल तरीके से आप कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हैं सिम्बॉलिक तरीके से सिमेंटिक तरीके से या बिहेवियल तौर पर नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अब ये कौन सा वाला स्टेज आपका कोलबर्ग की थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड uh, नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट सेंसरी मोटर कन्वेंशनल प्री कन्वेंशन या पोस्ट कन्वेंशन कोलबा की थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट ये इंपॉर्टेंट है कोलबा की थ्योरी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं मोरल डेवलपमेंटल थियरी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अभी कोलबक की थ्योरी समझेगी क्या है वेरी गुड जो जो उनकी स्टडीज थी उसको आगे एक्सपेंड करते हुए तीन तरीके की स्टेज थियरी दी और इस तीन तरीके की स्टेज थियरी में कोलबर्ग ने यहाँ पे मोरल डेवलपमेंट को स्टडी करा बाई पोजिंग मोरल डिलेमा मोरल डिलेमा क्या हो सकता है तो इन्होंने हाइंस का एक सिचुएशन बताई कि हाइंस एक नाम एक नाम का व्यक्ति है हाइंस उसकी वाइफ यहाँ पे बहुत बीमार है तो उसको यहाँ पे एक ड्रग चाहिए जो काफी आ, मतलब एक्सपेंसिव है तो उसने ड्रग को स्टील कर लिया तो क्या ये सही हुआ या गलत हुआ तो इस केस के अंदर ये एक हाइंस का डिलेमा करके आपको एक दिखाता है उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या उसका ये करना सही है या गलत है डिलेमा तो हाँ के, के बेसिस पे ही हमारे पास तीन तरीके की जनरल लेवल्स ऑफ रीजनिंग आई एक होता है प्री आपका बच्चे के अंदर जब आपकी स्टेज यहाँ पर होती है प्री कन्वेंशनल में कि जिसमें मेन फोकस होता है चाइल्ड्स के डिजायर में अब प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंदर अगर कोई बच्चा है तो इसमें पनिशमेंट ऑबिडेंस ओरिएंटेशन होता है अगर काम गलत करेंगे तो उसके अंदर हमें पनिशमेंट जरूर मिलेगी तो वो बच्चा हमेशा ऐसे टास्क को परफॉर्म करता है कि पनिशमेंट उसको कम से कम दिए जाए तो वो रूल्स को ओबे करता है दूसरा आता है यहाँ पर जो हमारे इसी कन्वेंशनल स्टेज के अंदर हम फोकस करते हैं प्री कन्वेंशन में एक होता है इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज ओरिएंटेशन इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज ओरिएंटेशन अब ये जो इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज ओरिएंटेशन है ये हमारा मेन फोकस करता है किसके ऊपर कि अ, आपकी रीजनिंग के ऊपर टू स्टेज रीजन लिमिटेड इंटरेस्ट इन द अदर बट ओनली टू पॉइंट आउटर इट माइट फर्दर द इंडिविजुअल इसमें खुद के इंटरेस्ट के बारे में बात करी जाती है एक होता है गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन ये जो गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरियंटेशन है ये स्टेज थ्री के अंदर आता है यानी कि कन्वेंशनल लेवल से रिलेटेड है कन्वेंशनल लेवल से रिलेटेड है इस स्टेज में बच्चा होता है कि जिसमें बच्चा आपका uh, मतलब अर्ली स्टेज में प्राइमरी स्टेज में होता है अब उस प्राइमरी स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर गुड बॉय गुड गर्ल वाला ओरिएंटेशन है तो उस केस के अंदर वो जितने भी गलत चीजें है उसको अवॉइड करता है और किसी तरीके का डिस, डिस अप्रूवल ना हो तो वो अवॉइड करता है और अच्छे टास्क को परफॉर्म करता है अच्छा बना रहता है दूसरों के सामने एक होता है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन सिस्टम मेंटेनिंग कि जिसके अंदर वो बच्चा ब्लाइंडली जो रूल्स हैं हैं जो conventions है, उनको इंपॉर्टेंस देता है उनकी फंक्शनिंग को मेंटेन करने के लिए कार्य करता रहता है तो ये लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन आता है ये लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन इन गुड बॉय एंड गुड गर्ल वाला ओरिएंटेशन ये कन्वेंशनल स्टेज का पार्ट बनता है और लास्ट में आता है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जिसके अंदर एडोलेसेंस आ जाते हैं हम जैसे लोग आते हैं कि जो यहाँ पर आपके आ, मतलब 20th, आ, जो 20s के मतलब या आपके आ, एडल्टूड की तरफ जा रही है तो उस केस के अंदर एक इंडिविजुअल अपना सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है अब इसके अंदर वो वर्ल्ड को कैसे देखता है डिफरेंट ओपिनियन से देखना स्टार्ट करता है राइट्स है वैल्यूज से और एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन यहाँ पे होता है क्या सही है क्या गलत है मेरे हिसाब से क्या सही हो सकता है आपके हिसाब से क्या गलत हो सकता है पनिशमेंट को अवॉइड भी करता है बेस्ट इंटरेस्ट भी लेकर आता है लीगल तरीके से काम भी करता है तो इसमें ओरिएंटेशन आपकी काफी बढ़ जाती है बच्चा सिर्फ गुड बॉय गुड गर्ल की तरफ नहीं रहता समाज के वैलिडेशन में नहीं रहता जबकि वो अपना खुद वैलिडेट करता है उस चीजों को कि उसके लिए क्या सही है उसके लिए क्या गलत है तो ये अलग अलग स्टेजेस हमारी आती है नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन विच ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव रिन्फोर्समेंट शेड्यूल अकॉर्डिंग टू ओपन कंडीशन थे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्या होगा इसका राइट आंसर एंड डू इंक्रीज योर स्पीड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन विच इज द मोस्ट इफेक्टिव री एन्फोर्समेंट अकॉर्डिंग टू अब मैंने आपको बताया था ना एक लीस्ट होता है और एक हमारा हाईस्ट होता है तो लीस्ट अच्छा वाला और सबसे ज्यादा अच्छा वाला इनमें से कौन सा होता है सबसे ज्यादा अच्छा वाला तो सबसे ज्यादा अच्छा वाला री हमारा वेरिएबल रेशियो री कहलाता है और लीस्ट वाला कौन सा होता है बताना जरा कमेंट सेक्शन में लीस्ट री एनफोर्समेंट्यूल कौन सा होता है हमारा least favorable. Next, इंटेलिजेंस तो को बिलीव किया है डिस्ट्रीब्यूटेड लोगों के अंदर यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो ये कैसा है यूनिफॉर्मली है नॉर्मली है वाइडली है या सिलेक्टिवली है वेरी गुड एवरी वन लीस्ट क्या होता है हमारा यहाँ पर जिसके अंदर हम फिक्स की बात करते हैं हाँ फिक्स इन चब वेरी गुड नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू

इंट्रेक्शन हमारा इंपॉर्टेंट है फिजिकल का भी होना और सोशल इन्वॉर्मेंट का भी होना और यहाँ पे कोग्नेटिव uh, डेवलपमेंट के लिए दोनों ही इन्वॉलमेंट uh, और इंटरक्शन उसके इंपॉर्टेंट है अब यही चीज को यहाँ पे फोकस किया जाता है वाई गॉड्स की थ्योरी जिसके अंदर उन्होंने सोशल कोग्नेटिव एक्सपेक्ट दिया कि सोसाइटी का रोल भी उतना इंपॉर्टेंट है हमारे कोग्नेटिव डेवलपमेंट में नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन ट्वेंटी फोर एजुकेशनल साइकोलॉजी ड्रॉ करती है अपना कंटेंट फ्रॉम द स्टडीज कंडक्टेड ऑन तो किसके ऊपर स्टडीज कंडक्ट करने के लिए बात करती है एनिमल्स अंडर नॉर्मल कंडीशन चिल्ड्रन अंडर नॉर्मल कंडीशन ह्यूमन अंडर कंट्रोल कंडीशन या एनिमल अंडर कंट्रोल कंडीशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर एजुकेशनल साइकोलॉजी ड्रॉज इज कंटेंट फ्रॉम द स्टडीज कंडक्टेड ऑन ट्वेंटी फोर नंबर क्वेश्चन वेरी गुड सो हर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? सी इज द राइट आंसर ह्यूमन बीइंग्स अंडर कंट्रोल कंडीशन एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर हम यहाँ बीइंग्स को अंडर कंट्रोल रखते हैं उसके नेक्स्ट आज इनमें से कौन सा वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है लर्निंग के कॉन्सेप्ट में स्पेसिफिकेशन कैटेगरा जनरलाइजेशन या एक्सपेरिमेंटेशन लर्निंग के कंसेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव वेरी गुड जनरलाइजेशन नेक्स्ट आ जाओ इन कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग क्या आता है अब यहाँ पे हमने कंडीशनिंग थ्योरी की बात करी पैवलो की क्लासिकल कंडीशनिंग तो पैवलो की क्लासिकल कंडीशनिंग की जो थ्योरी थी उसमें मेन फोकस किसके ऊपर था मेन फोकस किसके ऊपर था कि द सब्जेक्ट शुड बी इन रेडीनेस टू रिसीव एन अनचुरल स्टिमुलस या नेचुरल स्टिमुलस फॉलोस अ नेचुरल स्टिमुलस Yeah, response to natural stimulus required to be reinforced. Yeah, natural stimulus follows the unnatural stimulus. Conditioning theory of learning. Question number 26. Okay.

और उस बैल को जब बैल को एज ए न्यूट्रल स्टमस हमने दिया तो उसके बेसिस पे वो क्या रिस्पॉन्स जनरेट करता है तो रिस्पॉन्स ने उसने कुछ जनरेट नहीं करा तो उसी रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए हम यहाँ पर उसकी कंडीशनिंग करा रहे कि वो बैल को यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना सीखे तो उस केस के अंदर यहाँ पर रिस्पॉन्स टू नेचुरल टू बी रोर्स कहा जा रहा है ठीक है तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी बना वेरी गुड नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन व्यू दैट एनीथिंग कैन बी टॉट एन एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वॉज प्रपोज बाय कोई भी चीज कभी भी सीखी जा सकती है तो ये किसने प्रपोज किया था प्याजे ने ओजबल ने ब्रूनर ने या बी एफ स्किनर ने क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन स्पीड इंक्रीज कोई भी चीज कभी भी सीखी जा सकती है कोई एज लिमिट यहाँ पर नहीं होती है तो हेर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ब्रूना ब्रूना ने कहा था जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिसने सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था ह्यूमन कॉग्नेटिव साइकोलॉजी में और कॉग्नेटिव लर्निंग थ्योरी में तो उस केस के अंदर राइट right आंसर हमारा क्या बना सी बना नेक्स्ट आ जाओ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज एन एरिया ऑफ स्टडी व्य अब एजुकेशन साइकोलॉजी एक ऐसा एरिया स्टडी का जिसके अंदर हम क्या करते हैं फिर भी आंसर दिख रहा था लेकिन आंसर गलत आया ना उन्होंने ध्यान नहीं दिया इसमें आंसर वैसे लिखा था नीचे छोटा सा एक्सप्लेनेशन था लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दिया फिर भी गलत किया नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट मतलब एजुकेशन साइकोलॉजी एक तरह का एरिया है तो एक तरीके का एरिया ऑफ स्टडी है तो हम क्या करने की कोशिश करें एक ऐसा एरिया ऑफ स्टडी है कि जिसके अंदर हम मेन एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी को एजुकेशन में अप्लाई कर रहे हैं प्रिंसिपल यहाँ पे बात करी है साइकोलॉजी को एजुकेशन के अंदर अप्लाई करना वेरी गुड पूनम वेरी गुड एएस वेरी गुड उर्फी वेरी गुड सस्मिता

डू इंक्रीज योर स्पीड वेरी गुड तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन का राइट right आंसर क्या आया तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन का जो राइट right आंसर हमें मिला वो मिला जो हमारा ग्रोथ है कॉन्टिन्यूस है और दूसरा यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव है एक्सीलेंट नेक्स्ट आ जाओ अब यहां पर ना कंसेप्ट का फॉर्मेशन होता है कंसेप्ट के फॉर्मेशन के अंदर सिस्टमेटिकली प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होता है

वेरी गुड ऑब्जर्वेशन कैटेगराइजेशन जनरलाइजेशन नेक्स्ट क्वेश्चन जो कॉजेस होते हैं हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस के तो लर्नर्स के अंदर किस वजह से होते हैं इमोशनल और सोशल वेरिएशन की वजह से कॉग्नेशन एंड इमोशनल वेरियबल्स की वजह से जेनेटिकरमेंटल फैक्टर्स की वजह से या इमोशन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से कॉजेस फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग द लर्नर्स आर किसके वजह से वेरी गुड जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के वजह से क्योंकि अगर इंडिविजुअल डिफरेंस होती है देर इज अ डिबेट नेचर वर्स नर्चर कि बच्चे की कंडीशनिंग किस तरीके से हो रही है नेचर के वजह से या नर्चर के वजह से एक डिबेट आई थी तो उसी डिबेट के बेसिस पे यहाँ पे जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर आ गया नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्टी टू यहाँ पर साइकोलॉजी एक तरह का साइंस ऑफ स्टडी है साइकोलॉजी एक तरह का साइंस ऑफ स्टडी है नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल लिविंग बींग एट ऑफ चिल्ड्रन नेचर एंड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन या डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज अमंग ह्यूमन बींग साइकोलॉजी इज द साइंस टू स्टडी ऑफ अब ये सिर्फ साइकोलॉजी की बात कर रहा है सिर्फ साइकोलॉजी की बात कर रहा है एजुकेशन साइकोलॉजी नहीं है इसमें वेरी गुड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नेचर एंड बिहेवियर ऑफ अन बींग ऑब्जर्वेशन स्किल वेरी गुड नाउ नेक्स्ट इंटेलिजेंस यहाँ पे डिफाइन करी जाती है किस तरीके से इंटेलिजेंस को यहाँ पे डिफाइन करते हैं सम टोटल ऑफ मेंटल एबिलिटीज एबसेंग टू सोल्व प्रॉब्लम क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायर एडजस्टेंट या एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंडस्टमेंट इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एस इंटेलिजेंस को डिफाइन किया जाता है किस तरीके से इंटेलिजेंस को डिफाइन कर रहे हैं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर थर्टी थ्री वेरी गुड तो हेअर इज सरमेंट में नाउ क्वेश्चन ने प्रपोज किया गिल्फर ने आपको क्या दिया थ्री फैक्टर थ्री ऑफ इंटेलिजेंस मल्टी फैक्टर थ्री डायमेंस या हिराकर ने आपको क्या दिया तो थ्री डायमेंशनल थिरी ऑफ इंटेलिजेंस हमें गिलफ़र्ड के द्वारा दी गई स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। और ये थ्योरी जो प्रपोज करी गई थी बाई गिलन साइकोलॉजिस्ट थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के द्वारा के दौरान ये आपके इन्वॉल्व थे और इन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से हमारा जो इंटेलिजेंस uh, है वो तीन तरीके के डायमेंशन में बटा हुआ है इंटेलेक्ट हमारा तीन तरीके के डायमेंशन में बटा हुआ है गिल्फर ने रिफ्यूट कर दिया था चार्ल्स पियरमैन का व्यू कि इंटेलिजेंस को सिर्फ सिंगल न्यूमेरिकल पैरामीटर के अकॉर्डिंग ही डिफाइन कर सकते हैं तो उन्होंने इस चीज को रिफ्यूट करते हुए कहा कि नहीं हम इंटेलिजेंस को तीन तरीके के डायमेंशंस में इसको डिफाइन कर सकते हैं ऑपरेशंस कंटेंट एंड प्रोडक्ट ऑपरेशन क्या था कि यहां पे ऑपरेशंस आर व्हाट द रिस्पोंडेडस जो रिस्पोंडेड क्या करता है इट रेफरस टू द पर्टिकुलर कॉग्निटिव प्रोसेसेस हमारा जो यहाँ पे यूज किया जाता है कंटेंट हमारा क्या होता है कंटेंट डायमेंशन हमारा पर्टिकुलर मीडियम है जिसके अंदर पर्सन है ठीक है यूनिट क्लासेस रिलेशन सिस्टम एंड ट्रांसफॉर्मेशन एप्लीकेशन का नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव रोचास का इंक ब्लॉट टेस्ट आया ये यूज किया गया किस इमोशनल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल इंटेलिजेंस लेवल ऑफ एंडल परिट ऑफ एबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल वेरी गुड जुनेद इसके आपके कई तरीके हैं वो भी बने

वेरी गुड यहां पर अगर देखा जाए जिसने यहाँ पे आंसर बी ए दिया है, अगर की बात करी child, के कहा गया है कि गिफ्टेड चिल्ड्रन आर दोज हुट्रेट आउटस्टैंडिंग लेवल ऑफ एप्टीट्यूडिड एज एन एक्सेप्शनल एबिलिटी टू रीजन एंड लर्न और एक्सेप्शनल कंपिटेंसी उसके अंदर होती है जो रेयरस्ट जो रेयर पाई जाती है तो उस केस में यहां पे जो राइट आंसर बना बना वो हमारा बी ठीक है नेक्स्ट आ जाओ ये डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन के हिसाब से नेशनल एसोसिएशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट आ जाओ क्रिएटिव चाइल्ड एक एक हो सकता है क्रिएटिव चाइल्ड क्या हो सकता है क्रिएटिव चाइल्ड कौन हो सकता है वेरी गुड तो यहाँ पे क्या आया फ्लुसीव uh, चाइल्ड so, अगर हम देखें तो क्रिएटिव चिल्ड्रेन एबिलिटी है इम्पोसिबल थी नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन चिल्ड्रेन लैक इन जो लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन होते किसके अंदर लैक कि इन कर uh, uh, है, करते हैं अब क्योंकि लर्निंग की बात करी जा रही है अब डिसेबल लर्नर हो गए मान लो तो उनकी लर्निंग किसके अंदर लैक करती है प्रॉपर रीजनिंग करने में सोशल एडजस्टमेंट करने में मोटर कंट्रोल uh, करने में हाइपर एक्टिविटी करने में स्पीड इंक्रीज करेंगे फ्रेंड्स uh, बहुत सारे है, तो फटाफट एंड टू कंप्लीट ऑल वेरी गुड तो थर्टी एट का जो राइट right आंसर बना वो क्या बना लर्निंग डिसेबल बच्चा प्रॉपर रीजनिंग करने में दिक्कत करता है अपनी थिंकिंग एबिलिटी के बेसिस पे वेरी गुड नेक्स्ट आज डिफेंस मैकेनिज्म क्या है कॉन्शियस बिहेवियर है शिफ्टिंग वर्न रिस्पांसिबिलिटी है मीन ऑफ डिफेंडिंग आर्ग्यूमेंट है या प्रोटेक्शन शील्ड टू वर्निस्पॉन्सिबिलिटी है डिफेंस मैकेनिज्म शुड बी द राइट आंसर ऑफ ऑफ दिस क्वेश्चन क्रिएटिविटी के अंदर यहाँ पे एन नंबर पॉसिबल सॉल्यूशंस ड्राइव कर सकता है क्रिएटिव बच्चा लेकिन गिफ्टेड चाइल्ड के अंदर जो एक्सेप्शनल चाइल्ड होता है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्किल्स उसके अंदर अटेंड होती है ठीक है ये डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन डिफेंस मैकेनिज्म क्या है डिफेंस मैकेनिज्म एक तरीके का मीन ऑफ डिफेंडिंग आर्ग्यूमेंट्स है कि जिसके अंदर हम बात करी जाए डिफेंस मैकेनिज्म वे ऑफ बिहेविंग और थिंकिंग विच इज नॉट कॉन्शियस और डेलिबरेट इज एन ऑटोमेटिक रिएक्शन टू और साथ के साथ फीलिंग्स जैसे कि एंजाइटी फेयर हो गया तो एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म हमारा ये कहलाता है

नेक्स्ट क्वेश्चन इंसाइट फॉर लर्निंग सिंपल सा क्वेश्चन एक ही से आ जाएगा तो यहाँ पर हमारा जो इंसाइट फॉर लर्निंग है वो किस तरीके से करें हम स्टमस जर्लाइजेशन uh, से, से. यहाँ पर, पर बात करी जा रही है इंसाइड फॉर लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम दुलस जर्नलाइजेशन नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन वट न्यूट्रीशन एंड रिप्रोडक्शन वट न्यूट्रीशन एंड रिप्रोडक्शन साइकोलॉजिकल लाइफ एजुकेशन सेट टू बी कि न्यूट्रीशन और रिप्रोडक्शन साइकोलॉजिकल लाइफ है तो ये एजुकेशन एक सोशल है इसको कहने वाला कौन है हर्बर्ट स्पेंसर जॉन डीवी डब्ल्यू टेलर या फिर जेम्स रॉस किसका राइट आंसर आएगा इसमें स्टेटमेंट लिखना में क्योंकि क्वेश्चन आपको एक्सपेक्टेड में दिखा था तो इसकी एक बार ना स्टेटमेंट लिख लेना वट न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन आर टू साइकोलॉजिकल लाइफ एंड एजुकेशन सोशल सेट टू बी किसके द्वारा दिया गया है ये आ सकता है एग्जाम में मतलब छोटा सा इसमें स्टेटमेंट वेरी गुड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जॉन डीवी जॉन डीवी ने आपको ये एक्सपेक्ट दिया है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेक्स्ट यहां पर आ जाओ जॉन टीवी ने आपको दिया नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री नेगेटिव री इनफोर्समेंट जो नेगेटिव रेंट मतलब क्या है नो प्रेजेंटिंग एनी प्रेजेंटिंग अनप्रेजेंट स्टिमुलस या पनिशमेंट या टर्मिनेटिंग एन अनप्रेजेंट स्टल मतलब क्या होता है नेगेटिव रोर्समेंट नेगेटिव रिनफोर्समेंट अब हमने यहाँ पे पॉजिटिव रिनफोर्समेंट की बात करी थी ना बच्चे के एग्जाम्पल से कि बच्चा अपना कमरा साफ करता है तो बच्चा अगर कमरा साफ करता है चाइल्ड अगर अपने रूम को क्लीन करता है तो मम्मी उसको रिनफोर्समेंट देती है कि अगर तूने काम करा तो तेरे को कुकी मिल गई तो ऐड कर दिया लेकिन नेगेटिव रिनफोर्समेंट के अंदर जो अनप्रेजेंस ट्यूमलस है तो उसको हमने टर्मिनेट कर दिया

शायद एक बार जो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग है इसको हटाते हुए फिर से ज्वाइन करो फिर आप लिंक में आ जाओगे आपका जो नेट है ना वो पीछे चल रहा है तो आपको पीछे क्वेश्चन दिख रहे हैं वेरी गुड तो प्रोग्राम लर्निंग ऑपरेंट कंडीशनिंग नेक्स्ट आ जाओ इंक्वायरी लर्निंग कंडक्टिंग ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ जो इंक्वायरी लर्निंग है तो वो किस तरीके के डेवलपमेंट के को कंडक्ट करती है मेमोरी इमेजिनेशन कॉग्नेटिव स्किल्स या क्रिएटिविटी इंक्वायरी लर्निंग इंक्वायरी लर्निंग इंक्वायरी लर्निंग इज डिपेंड ऑन फोर्टी फाइव इंक्वायरी किसकी बात करता है वेरी गुड इंक्वायरी किसकी बात करते हैं क्रिएटिविटी की वेरी गुड सस्मिता वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड जुनेद वेरी गुड शेख द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है नेक्स्ट आ जाओ अब इसके अंदर मैचिंग करनी है स्केड्यूल ऑफ री इन्फोर्समेंट एक्लिबेशन यहां पर स्टूडेंट सेंटर लर्निंग योर सेल्फ एक्चुलाइजेशन

और जो भी अगर पुराने सेशन से अगर आप चाहते हो पीडीएफ लेने हर एक सेशन के तो यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन पीडीएफ आल्सो और उसके लिए आपको जो पीडीएफ मिल जाएगी सो सेक्शन से आप परचेस कर सकते हो सभी के वेरी गुड सो क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन का राइट right आंसर क्या है कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट एक्सीलेंट नेक्स्ट आ जाओ सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक अगर होती है पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए तो ये किसने दिया है ऑब्जर्वेशन के थ्रू इंक ब्लॉट के टेस्ट के थ्रू क्वेश्चन के थ्रू ड्रॉ मैन टेस्ट के थ्रू सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक्स ऑफ असेसिंग द पर्सनैलिटी

प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम द स्पेसिफिक टू जनरल रिस्पॉन्स या प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन वेरी गुड तो कौन सा वाला प्रिंसिपल नहीं है तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल नहीं जेनरसिज स्पेसिफिक की तरफ जाता है जेनरसिज स्पेसिफिक होता है वो नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन लर्निंग अकॉर्डिंग टू बी एफ द रिजल्ट ऑफ जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है बच्चे में तो के अकॉर्डिंग किसका रिजल्ट हुआ ट्रेनिंग इन ग्रामर इमिटेशन इन इन इन्फोर्समेंट इनेटेबिलिटी या मैचुरेशन बी एफ स्किनर के अकॉर्डिंग लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो जाता है तो किसका रिजल्ट हुआ वेरी गुड नाज वेरी गुड सस्मिता वेरी गुड टू स्पेसिफिक हमारा चलता है ध्यान रखना हमेशा नाउ फिफ्टी वेरी गुड इमिटेशन एंड रि एनफोर्समेंट इमिटेशन इन री एनफोर्समेंट इज ऑफ बीएफ स्किनर की uh, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग वेरी गुड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हा कंप्लीटेड हाफ सेंचुरी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बिहेवियर सी वोलोड बाई रिवॉर्ड इज नोन एजा बिहेवियर पैटर्न की टेंडेंसी को इंक्रीज करना जब रिवॉर्ड दिया जाए तो वो किस तरीके का हुआ शेपिंग हुआ कैसे का कंडीशनिंग हुआ जनरलाइजेशन हुआ या ऑपरिंग कंडीशनिंग हुआ वेरी गुड ऑपरेंट कंडीशनिंग नेक्स्ट फाइंड आउट करना है आउट मतलब इसमें से ऑड वन जो इसमें से अलग है वो आपको फाइंड आउट करना है ओरिजिनैलिटी पंचुअलिटी फ्लेक्सीबिलिटी एंड फ्लुएंसी इसको देखते हुए याद आ जाएगा आपको ये कुछ क्रिएटिविटी के कंपोनेंट्स हैं तो यहां से बताना जरा क्या होगा इसका आउट करते हुए इसको जो अलग है इससे वेरी गुड पंचुअलिटी पंचुअलिटी नहीं आएगा नेक्स्ट आ जाओ यहां पर हु प्रपोज सेल्फ थियरी ऑफ फर्सनलिटी सेल्फ थियोरी ऑफ फर्सनलिटी देने वाले कौन है क्रैशमर ऑलपॉट आइस या रॉजर सेल्फ थियरी ऑफ फर्सनलिटी

हाँ, यूरेका मोमेंट वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वेरी गुड मुनमुन वेरी गुड आहा मोमेंट जिसको कहा जाता है वो हमारा इल्यूमिनेशन से रिलेटेड है वेरी गुड फिफ्टी फाइव का राइट आंसर डी हुआ क्योंकि मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है जब तक मोटिवेशन नहीं होगी जब तक बच्चा कुछ नहीं कर सकता तो मोटिवेशन टीचिंग के अंदर भी इंपॉर्टेंट है लर्निंग के अंदर भी इंपॉर्टेंट है और मोटिवेशन एक तरह का अट्रैक्शन है नेक्स्ट जो फंक्शनलिज्म का मेन पैर कौन है प्रकारे का अग्रदूत कौन है विलियम वर्न विलियम जेम्स जेबी मॉडसन या कर्ट लेविन। फंक्शनलिज्म की बात जो करता है वेरी गुड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज विलियम जेम्स नेक्स्ट आ जाओ अभी क्वेश्चन आपको ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दी हुई है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के टेस्ट को आपको मैच करके बताना है कि किसके अंदर हम कौन सा स्टडी कर सकते हैं वो कैब्ररी टेस्ट अगर बच्चे के ले रहे तो उसमें किस तरीके की इंटेलिजेंस को देखेंगे मेमरी टेस्ट अगर टेस्ट ले रहे हैं बच्चे का तो उसमें किस तरीके की इंटेलिजेंस को लेगे इंफॉर्मेशन टेस्ट अगर ले रहे तो किस तरीके की इंटेलिजेंस को स्टडी कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको मैच करके बताना है ये कोड है और ये इसके आपको सामने उसकी एक्सप्लेनेशन दी है वेरी गुड सो सभी ने यहां पे आंसर दिया है सो हे द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वॉट यहां पे डी इज दी राइट आंसर एक्सीलेंट वो कैबलरी टेस्ट होना वो टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं मीनिंग हमें मोबाइल नंबर ऑफ योर क्लास टीचर आपका जो मोबाइल नंबर क्या है क्लास टीचर का तो ये क्या हुआ यहाँ पे मेमोरी टेस्ट हुआ आपने रिकॉलिंग के थ्रू मोबाइल नंबर बताया इंफॉर्मेशन टेस्ट क्या है इंफॉर्मेशन टेस्ट हमारा बात करता है जिसमें हम सेकेंड की ताजमहल कहाँ पे सिचुएटेड है ये इंफॉर्मेशन है ताजमहल कहां पर है आपने इंफॉर्मेशन टेस्ट लिया उसका और एसोसिएशन टेस्ट के अंदर कनेक्शन बिठाया जिसमें इन वट वेज एनिमल्स एंड प्लांट्स आर किस वे में प्लांट्स और एनिमल्स आपके दोनों एक जैसे हैं तो हमने एसोसिएशन टेस्ट यूज किया ठीक है वेरी गुड नेक्स्ट आ जाओ रीअरेंज फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी जो बेंडूरा ने हमें दी है तो बेंडूरा के द्वारा सोशल लर्निंग थ्योरी स्टेप्स को रीअरेंज करना है

तो कौन कौन से स्टेप हुए वेरी गुड सबसे पहले अटेंशन देना तो अटेंडिंग और परसीविंग दी बिहेवियर हम अटेंशन देते हैं अटेंड करते हैं परसीव करते हैं किसी बिहेवियर को फिर अटेंशन के बाद हमारा रिमेम्बरेशन होता है यानी कि रिटेंशन होता है अटेंशन रिटेंशन फिर हमारा यहाँ पे अगर देखा जाए रिप्रोडक्शन होता है रिप्रोडक्शन के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं मेमोरी को इनटू एक्शन में और लास्ट में जाके हम सी यानी कि री होता है इमिटेटेड बिहेवियर का जो हमारा मोटिवेशन कहलाता है ठीक है

किस तरीके का डिफेंस कि मेरा पेपर हो गया और पेपर में फेल हो गया कह रहा कि टीचर नहीं गलत बनाया था क्वेश्चन पेपर वेरी तो पर क्या हुआ रेशन हमारा तो हो गया नेक्स्ट आ जाओ अगर रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन हमें कर रहे में, तो ये किस तरीके का एग्जाम्पल हुआ किस तरीके की लर्निंग ट्रांसफर हुई सिक्वेंशियल ट्रांसफर हॉरिजोंटल ट्रांसफर नेगेटिव ट्रांसफर या वर्टिकल ट्रांसफर हाँ निहार रीजन दे रहा है वेरी गुड अब ये मल्टीप्लीकेशन अगर हमें हेल्प करा है लर्निंग करने में को रिलेशन को या रिग्रेशन को तो किस तरीके का एग्जाम्पल हुआ सिक्वेंशियल यहां पर हॉरिजोंटल नेगेटिव ट्रांसफर या फिर वर्टिकल ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग

अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड सुपर ईगो प्रॉपरली डेवलप होती है कौन से स्टेज में सुपर ईगो कौन से स्टेज में डेवलप होती है लेटेंसी पीरियड में एनल पीरियड में फैलिक पीरियड में या नन ऑफ दीज अब नन ऑफ दिस अब किसके अंदर आपकी जो लर्निंग है हो रही है कि मल्टीप्लीकेशन का एक ही सीध में चल रहा है जब उसमें किसी तरीके की एडवांसमेंट नहीं है एक के अंदर दूसरा हेल्प कर रहा है लेकिन जब एडवांसमेंट होगी तो वो आपका सिक्वेंशियल का प्रोसेस बनेगा या फिर वर्टिकल बनेगा कि जिसमें वो एडवांसमेंट की तरफ जा रहा है वो आपके टेंथ के अंदर काम आता है

एनल स्टेज के अंदर यहाँ पर जो बच्चा आ, अपना जो आ, जो यहाँ पे स्टेज डेवलप करता है तो वो एनएस से होता है कि जब वो अपना टॉयलेट टॉयलेट्रेन बनता है फैलिक स्टेज के अंदर बच्चे का जो स्टेज है ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे डेवलप होता है यानी कि पेनिस एन बी यहाँ पर डेवलप होता है लेटेंसी स्टेज के अंदर बच्चा यहाँ पर सुपर ईगो वाले स्टेज में होता है

प्राइवेट होती नहीं है यहाँ पर सूची यहाँ पर जो वीडियो है आपकी वो हमेशा ही चलती रहती है रिकॉर्डिंग्स हमेशा अवेलेबल रहती है प्राइवेट नहीं होता ठीक है टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ये आपको कमेंट लाइव चैट सेक्शन के अंदर पिन किया हुआ है इसको ज्वाइन करोगे तो वहां से आ जाएगा थैंक यू सो मच सूची अनकॉमन एरिया आपको बताना है ठीक है वेरी गुड तो अनकॉमन एरिया हमारा डीडी डी के लाता है तो यहां इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट हमारा है तो सभी के सभी ब्लॉट एरियाज है इस ब्लॉट एरियाज के अकॉर्डिंग हम स्कोरिंग करते हैं तो टोटल ब्लॉट एरिया हमारा डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं टोटल ब्लॉट एरिया हमारा जो जिसमें इंक इंप्रेशन पड़ते हैं तो वो हमारा टोटल ब्लॉक एरिया डब्लू कॉमन ब्लॉक एरिया हमारा डी कहलाता है डी हमारा कॉमन ब्लॉक एरिया है अनकॉमन ब्लॉट एरिया हमारा डीडी के लाता है टोटल प्लॉट एरिया और वाइट बैकग्राउंड हो अगर तो उसको डब्ल्यू एस से रिप्रेजेंट किया जाता है कॉमन ब्रॉड एरिया वाइट बैकग्राउंड एरिया के साथ हो तो उसे एंड अनकॉमन एरिया वाइट बैकग्राउंड के साथ हो उसको DDS कहा जाता है टोटल एरिया प्लस वाइट हमारा है तो हमारा बैकग्राउंड के अंदर व्हाइट से रिप्रेजेंट किया जाता है इसके अंदर पीछे व्हाइट हिस्सा हो और आगे उसका इंप्रेशन चबरा हो ओनली व्हाइट है तो सिर्फ ओनली वाला जो व्हाइट हिस्सा हमारा कहलाता है डीएस अगर हम यहाँ पर ओनली यहाँ पर बात करें टेम्पल गेट की अकॉर्डिंग बन रहा है कॉमन ब्लॉट एरिया प्लस वाइट बैकग्राउंड तो इस तरीके से इसमें नेमिंग कराई जाती है नेक्स्ट आ जाओ सिक्सटी इंडिविजुअल साइकोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी वॉज गिवन बाय ए एडलर कार्ल यंग आईसाइन या नन ऑफ दिस इंडिविजुअल साइकोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी वॉज गिवन बाय फटाफट स्पीड इंक्रीज

जिसको तरीके से measurable है है, है हमारी या या एक formula भी आपको यहाँ पर आता है, इससे related. तो measurable है. Pavlov की Skinner की Hull की है? None of क्या इसका राइट आंसर हो सकता है नहीं शिल्पा यहाँ से एकदम क्लियर है यहाँ से कुछ ऐसा शक नहीं है एक बार आप रिफ्रेश कर लो वेरी गुड राइट आंसर क्या आया हल की थ्योरी तो हल ने मैथमेटिकल डिडक्टिव थ्योरी थ्योरी हमें दी नी थी थे, जिसके अंदर इन्होंने में दिया फॉमुला क्या था हल का हल्का ड्राइविडक्शन फॉमुला तो ये जिसके वजह से मैथमेटिकल कहलाया नाउ थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन किसके से सिमिलर है थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन किससे सिमिलर है ट्रांसपोजिशन आइडेंटिकल एलिमेंट्स या फिर बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस किसके अंदर आता है ये वेरी गुड तो यहाँ पे राइट right आंसर क्या identical elements. Identical elements, right है आइडेंटिकल एलिमेंट्स आइडेंटिकल एलिमेंट्स जिन्होंने बी दिया इसका राइट आंसर करेक्ट है यानी कि थियोरी ऑफ जनरलाइजेशन किससे सिमिलर है तो आइडेंटिकल एलिमेंट्स से रिलेटेड है वो जनरलाइजेशन करना आइडेंटिकल टर्म्स में होना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है तो ये कई तरीके की ट्रांसफर होती है लर्निंग की मेंटल फैकल्टी थ्योरी थ्योरी ऑफ फॉर्मल डिसिप्लिन आइडेंटिकल कंपोनेंट तो आइडेंटिकल कंपोनेंट इस तरीके की ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की जिसके अंदर जनरलाइज करना हमारे लिए लिएजी हो जाता है और यहां पर अलग अलग तरीके की थियोरीज हमारे सामने आती है नेक्स्ट आ जाओ विच ऑफ द हाइएस्ट लेवल ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन हाइएस्ट लेवल क्या है कंसेप्ट फॉर्मेशन क्या फॉर्मल लेवल सेंसरी लेवल कंक्रीट लेवल या फिर नन ऑफ दिस क्या होगा इसका राइट आंसर कंसेप्ट का फॉर्मेशन कर रहा है तो कंसेप्ट का फॉर्मेशन है तो फॉर्मल लेवल में वेरी गुड नेक्स्ट आ जाओ साइकोनाइटिक अप्रोच ऑफ काउंसलिंग सबसे पहले किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया एडलर काल एडलर यंग या फ्रॉइड या ऑफ दिस नोनाइटिक अप्रोच ऑफ काउंसलिंग क्या होगा इसका राइट right आंसर नेक्स्ट आ जाओ अकॉर्डिंग टू द्वारा कॉज करे जाते हैं रिप्रेशन ऑफ डिजायर्स, जब हम अपने इन एक्टिविटी हो होती, होती है हमारे न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स हो जाते इंडिविजुअल को सेशन को लाइक like कर देना जिन्होंने लाइक like नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिले वेरी गुड तो यहाँ पे राइट right आंसर क्या है रिप्रेशन ऑफ डिजायर्स डिजायर्स को घटाने से डिजायर्स को रिप्रेस करने से यहाँ पे न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं यहाँ पर तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा बना वो रिप्रेशन ऑफ डिजायर्स बना नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पर देखो यहाँ पर ना एंजाइटी की भी बात हुई जा रही है तो यहाँ पर सीगमेंट फ्रॉइड ने तीन तरीके की एंजाइटी भी आपको दी है एक दिया है ऑब्जेक्टिव एंजाइटी एक, एक दिया है आपको मोरल एंजाइटी तो जितनी भी न्यूरोटिक एंजाइटी एक इंडिविजुअल को होती है तो वो जब वो ईगो फीलिंग ओवरब्रन कर जाती है हमारे इड से तो हम यहाँ पे एक्सप्रेस करने में दिक्कत आती है तो विच थ्रेटर्स टू एक्सप्रेस इन रेशनैलिटी थॉट एंड बिहेवियर और इसके वजह से न्यूरोटिक एंजाइटी हमें आती है तो यहाँ से इसका राइट आंसर ए बना

और हम यहाँ पर चीजों को देख नहीं सकते क्लियरली तरीके से हम अराउंड कॉर्नर ही चलते हैं एक की तरह एक्ट करते हैं और मोरल एंजाइटी एक्सपेक्ट से रिलेटेड है अनकॉन्शियस लेवल पे ऑपरेट कराई जाती है जो वेरी गुड यहां पे राइट right आंसर क्या हुआ ए हुआ

या फिक्स्ड इंटरवल री सबसे इफेक्टिव री एनफोर्समेंट आपको बताना है पांच से दस मिनट और देन वी विल वाइंड अप फटाफट वेरी गुड वेरिएबल रेशियो री नेक्स्ट अब ये देखो ये एक एग्जाम एक में क्वेश्चन आया था रोशेश का एक ब्लॉट टेस्ट था तो उसके अंदर आपको बताने हैं कि हमारे क्या क्या कार्ड्स आते हैं तो रोशैश का इंक ब्लॉट टेस्ट कंसिस्ट ऑफ व्हाट फाइव ब्लैक एंड व्हाइट फाइव कलर कार्ड्स या फिर हमारा यहाँ पर आ जाता है टेन ब्लैक एंड टेन वाइट कार्ड्स या ब्लैक फाइव ब्लैक एंड वाइट एंड फाइव मल्टी कलर कार्ड या टेन मल्टी कलर कार्ड्स

एक्विजेशन ऑफ न्यू इमोशनल कपैसिटी ग्रेजुअल सब्सिट्यूशन ऑफ इंटेक्चुअल रिस्पॉन्स फॉर इमोशनल रिस्पॉन्सिस क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर फटाफट स्पीड इंक्रीज वेरी गुड तो एक एक्विजिशन ऑफ अ न्यू इमोशनल कैपेसिटी हमारा आ जाएगा जब भी हम यहाँ पे इमोशनल ग्रोथ की बात करते हैं तो न्यू इमोशनल कैपेसिटी को किस तरीके से इंडिविजुअल पे डिस्क्राइब कर पा रहा है इंटेलेक्चुअल इमोशनल नहीं पर रिस्पॉसिसक्विजीशन हो रहा है इमोशनल कैपेसिटी का तो वेरी गुड जिन्होंने सी आंसर दिया दिमाग लगा के वेरी गुड एक्विजीशन ऑफ अ न्यू इमोशनल कैपेसिटी नेक्स्ट आ जाओ मैचिंग करना है फ्रॉइड आइसैंक कैटल इन कार्लंग इन्होंने क्या दिया है आपको किस तरीके का एक्सपेक्ट इन्होंने हमें दिया है हाँ, क्चुअल का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो कॉग्नेटिव डोमेन बेस्ड है हम इमोशनल की बात करनी है तो वहां से हमारा जो राइट आंसर बन गया अब इसे मैचिंग करके बताओ फटाफट क्या आएगा वेरी गुड तो यहां पर जो राइट आंसर हमारा बी बना

साथ के साथ यहाँ पर इन्होंने कई बताया कि हमारा जो तीन तरीके के फैक्टर्स होते हैं मतलब यहाँ पर जो बाइपोलर डायमेंशन को दर्शाते हैं तो जो हमारी थ्योरी होती हैलिटी की वो बाइपोलर डायमेंशन होती है कि जिसके अंदर एक्स्ट्रा वर्जन इंट्रोवर्जन होता है स्टेबिलिटी होता है साइकोसिज्म और सेल्फ कंट्रोल होता है तो इन्होंने ये हमें कंसेप्ट को डिफाइन करा है एक्स्ट्रा वर्जन कौन से लोग होते हैं जो बाहर आउट गोइंग होते हैं सोशलेबल होते हैं ओपनली एक्सप्रेसिव होते हैं इंट्रोवर्जन के अंदर जो आपको मतलब कम बोलना पसंद करते हैं कम घुलना मिलना पसंद करते हैं अनसोशलेबल होते हैं पैसिव होते हैं यहाँ पर न्यूरोटिज्म यानी कि अनस्टेबल होता है इमोशनली स्टेबल यानी कि पॉजिटिव पॉइंट कि वो इवन पॉइंटेम्पर्ड है काम है लीडरशिप क्वालिटी है और सेल्फ कंट्रोल हमारा हाइएस्ट होता है कि जिसके अंदर एक इंडिविजुअल थाटफुल है कंसिड्रेट है नेक्स्ट आ जाओ अ चाइल्ड वॉन्स बाय अ थॉर्न ऑफ अ रेड रोज एंड गॉट हर्ट एक बच्चे को यहाँ पे ना रेड रोज के अंदर जो कांटे हैं वो चुभ गए तो उसने स्टार्ट कर दिया एक्सप्रेस करना टू तो एक से से रेड रेड तो हर एक चीज डरने पहले डरता था रेड और किस तरीके का एग्जाम्पल हुआ जनरलाइजेशन रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन बोथ स्टलेस एंड रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन या फिर नीदरा जनरलाइजेशन नॉर नौरा रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन यहाँ पर किस तरीके से यहां पर होगा

अब इसमें मैच करके आपने बताया इनफेंसी यंग एडल्टुड या मिडल एडल्टुड यहां से जब आपने मैच किया तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा बना वो ए बना स्टेज के अंदर क्या होता है के अंदर ट्रस्ट वर्सिस मिस्ट्रस्ट होता है अडोलस के अंदर हमारा थर्ड चलता है एडलिटी वर्सिस रोल कन्फ्यूजन यंग एडल्टुड के अंदर हमारा फोर्थ आता है इंटीमेसी वर्सिज सॉलिडिटी एसोलेशन और मिडल एडल्टुड के अंदर हमारा फिफ्थ आ जाता है नेक्स्ट आ जाओ सेवेंटी फोर फटाफट फड़ मैच करो इसको स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसिक्स सिक्सटीन परसेंटिव फैक्टर मैट्रिसिक्स थीमेटिक एप्रिसिएशन या इन ब्लॉड टेस्ट क्या होगा इसका राइट right आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से

रेवन ने जो टेस्ट दिया है रेवन का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिस टेस्ट है इसके अंदर आपके एट पैटर्न में थ्री बाय थ्री की मैट्रिक्स चलती है और मिसिंग वन को आपको डिटरमाइन करना होता है कि कौन सा इसमें से मिसिंग है नेक्स्ट फिगर कौन सी होगी तो रेवन ने ये टेस्ट दिया था इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास आता है uh, 16 पीएफ जो आपको किसने दिया कैटल के थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट हमारा आया वो हमारा सेकंड आया जो मुरे एंड मॉर्गन की तरफ से आया और इंक ब्लॉड टेस्ट हमारा आया किसके अंदर हम फोकस करते हैं आपका प्रोसेस ने तो यहां से जो राइट आंसर हमारा बी बन गया वेरी गुड नेक्स्ट आ जाओ लर्निंग नॉलेज होल्ड किया है एंड मिलर ने एडवर्ड टॉलमेन ने एल्बर्ट बंडूरा ने या मिशेल ने किसने दिया है यह आपको एक्सपेक्ट किसके द्वारा दिया गया है ठीक है फ्रेंड्स फाइव मोर क्वेश्चन टू गो ओनली पांच और करेंगे फिर हम वाइंड अप करेंगे सेशन को क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो आ, आने वाले जो क्वेश्चन है यानी कि बाकी के जो जितने भी हमारे ट्वेंटी आईगे क्वेश्चन बचेंगे उन क्वेश्चन को मैं आपके अपकमिंग मॉक टेस्ट के अंदर इंक्लूड करूंगी तो यूनिट थर्ड के आपको सारे के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस बार तो वो हम बात के चीजें करेंगे ठीक है तो पांच क्वेश्चन uh, है हमारे और वेरी गुड तो 75 का राइट right आंसर हमारा क्या आया एल्बर्ट बेंड्यूरा जिन्होंने सी राइट तो, का right दे, करेक्ट. तो ये किसने कहा है एल्बर्ट बेंडूरा ने कहा है थ्रू दी कॉगनेटिव प्रोसेसिंग एल्बर्ट बेंडूरा तो यहाँ तो पर कॉगनेटिव प्रोसेसिंग क्यों हुआ क्योंकि बेंडूरा ने 1977 बिलीव करते थे कि हमारे यहाँ पर ना चार तरीके के हुआ 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 और मोटिवेशन हुआ तो यहां से हमारा हमारा बन गया Next आ जो, तो जो प्रोसेस है एंड और का तो ये क्या है कि जिसके अंदर ऑर्गेनिकली तरीके से हम इंटलेक्चुअल सेल्फ रेगुलेशन करते हैं तो वो क्या है इक्विब्रेशन है इक्विबिरियम है एसिबलेशन है या अकोमोडेशन है सेवेंटी सिक्स ठीक है मॉक होगा संडे को जैसे आपका मॉक टेस्ट होता है सिमिलरली यहाँ पे मॉक टेस्ट होगा संडे को आपका शाम पांच बजे उसके लिए रेडी रहना उसके अंदर हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे एक्सपेक्टेड सारे और सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे फोर मोर क्वेश्चंस टू गो ओनली

सेवेंटी सिक्स का राइट आंसर हमारा ए हुआ क्योंकि इक्लिबेशन इज अ प्रोसेस और इक्लिबिर इज अ स्टेट तो अभी प्रोसेस बात की गई ही थी तो प्रोसेस के अंदर इक्लिबरेशन हमारा कहलाएगा कि स्टेट है कि जिसके अंदर हम बैलेंस करके चल रहे हैं ठीक है हा हिंदी इसकी सेम हो सकती है प्रीति यहां पर इंग्लिश को कॉन्टेक्स्ट में मानते हुए चलेंगे हम वेरी गुड

अब ये क्वेश्चन आपका एक्सपेक्टेड है क्योंकि आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को समझाती हूं मिला आंसर यहाँ पर तो सेवेंटी एट का जो राइट right आंसर है डिस इक्बिर हाइपोथिस तो डिस इक्बिरियम हाइपोथिस का स्टेट कि जिसके अंदर एक्टिविटी है इंडिविजुअल की तो रीनफोर्सर है

नेक्स्ट क्वेश्चन ड्राइव क्यू रिस्पॉन्स एंड री एनफोर्समेंट ड्राइव क्यू रिस्पॉन्स आपका और री एनफोर्समेंट क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर लर्निंग कंसेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन ड्राइव जागना इच्छा जागना क्यू यानी कि हिंट होना रिस्पॉन्स यानी कि कोई रिस्पॉन्स आउटकम जनरेट करना और रीइंफोर्समेंट यानी कि एक तरह से रिवॉर्ड देना टू मेंटेन द टेंडेंसी ऑफ अ बिहेवियर वेरी गुड तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यहाँ पे थर्ड वेरी गुड उर्फी थर्ड इसका राइट right आंसर आपने दिया ड्राइव जागना तो यानी कि लर्नर मस्ट वॉन्ट समथिंग जो उसको चाहिए ही चाहिए उसको चाहिए ही चाहिए तो उसको जो जरूरत है वो ड्राइव हुई इच्छा जागी क्यों यानी कि उसका हिंट जागा अब क्यों यानी कि ना लर्नर मस्ट अटेंड समथिंग कि जिसके टुवर्ड्स वो अटेंशन देता है यानी कि लर्नर मस्ट डू समथिंग जिसके अकॉर्डिंग उसको एक्ट करना होता है और इनफोर्समेंट क्या को आ, मतलब टेंडेंसी को बरकरार किया जाता है ठीक है ना तो ये कंसेप्ट हमें आया और ये कंसेप्ट हमें किसने दिया ये कंसेप्ट हमें यहाँ पर डॉलर और मिलर के कंसेप्ट से हमें ड्राइव किया गया नेक्स्ट आ जाओ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन

जबकि उसका रेजोल्यूशन बता रहा है उसका यहाँ पे आ, मतलब कह सकते हैं कि उसका एक निजात बता रहा है उस कॉम्प्लेक्स को उल्टा बता रहा है उसकी सही स्थिति बता रहा है नहीं पहले वाले का सही आंसर यहाँ पर ड्राइव यानी कि किसी चीज की इच्छा जागरू तो वहां से फोर्थ हो गया डेट ऑफ द सुपर इगो एंड रेजोल्यूशन अगर हम कर देते हैं ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का तो वो इन्वॉल्व होता है चाइल्डिफिकेशन विदर पेरेंट अभी क्या है सी एक होता है हमारा ऑडिपस कॉम्प्लेक्स एक होता है हमारा फीमेल uh, के अंदर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कि जिसके अंदर नेम ऑफ दी कंफ्लिक्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो एक इंडिविजुअल का जो अट्रैक्शन होता है मेल का वो अपने फीमेल के साथ कहते हैं ना कि मदर का जो अट्रैक्शन होता है वो अपने अ यहाँ पर बच्चे के साथ ब्रदर मतलब उसके सन के साथ ज्यादा होता है और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर जो फीमेल चाइल्ड है गर्ल चाइल्ड है उसका जो अट्रैक्शन हमने फादर की तरफ होता है तो ये तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हुआ और ऑडिपल कॉम्प्लेक्स हुआ लेकिन जब उसका रेजोल्यूशन हुआ तो वो हमारे किसके ऊपर बेस्ड होता है मेल जेंडर रोल पे क्योंकि वो मेल रिलेटेड कॉम्प्लेक्स है तो मेल जेंडर रोल रिलेटेड कॉम्प्लेक्स हमारा ऑडिपल कॉम्प्लेक्स कहलाता है और फीमेल जेंडर रोल कॉम्प्लेक्स हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहलाता है तो ये हमारा इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन आपको कराया गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर रेजोल्यूशन की बात की गई है और अगर एंजाइटी की बात करें तो कास्ट कास्टेशन एंजाइटी हमारा मेल के अंदर होते हैं और फीमेल के अंदर पेनिसन भी होता है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट हमारा आता है ठीक है क्लियर यहाँ पे जिन्होंने इसका राइट right आंसर दिया आ, ए आपका वेरी गुड एवरी सो यहां तक फिर हम सेशन को बाइंड अप करते हैं तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा सेशन कैसा लगा है अपने फीडबैक्स भी मुझे जरूर प्रोवाइड करना आपको काफी सारी चीजें नई सीखने को मिली प्रैक्टिस हुई या नई हुई तो वो भी जरूर अपने फीडबैक देना ठीक है हाँ ठीक है तो कोई डाउट है तो पूछना तो साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना लाइक करना शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ भी और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना सभी के सभी बच्चे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है लिंक इसका गिवन है पिन अप किया हुआ है मैंने ठीक है सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन और अगर किसी बच्चे को यहाँ पे पैकेज कोर्स चाहिए जो फेबर और जून एग्जाम uh, के लिए है कम्बाइंड तो आप पैकेज कोर्स भी ले सकते हैं एक साथ लेने का फायदा यह है कि आपको जून की अपकमिंग क्लासेस भी देखने को इसमें मिलेगी और लाइव सेशन आप देखोगे रिकॉर्डेड सेशन होगा पीडीएफ होगा तो सारा कॉम्प्रीहेंसिव चीज आपको एक साथ मिल जाएगी तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन uh, करना है अगर uh, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं नाइन पे व्हाट्सएप करके तो आपकी क्वायरी को जरूर आंसर किया जाएगा सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सेशन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल till then stay blessed enjoy learning and all the best for your JRF thank you for joining